उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश होगी, लेकिन विशेषकर देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर एवं पिथौरागढ़ जनपद में भारी से बहुत बहुत भारी बारिश की संभावना है। एडीजी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर SDRF की टीम को सतर्क कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि 2-3 दिन से भी हैवी रेन्स का अलर्ट था, सभी जिलों को सबको अवगत करा दिया गया था, SDRF भी हमारी तैनात है उसको बता दिया गया था, और अभी भी 24 घंटे का अलर्ट है जिसमें भारी भूस्खलन हो सकते हैं, कहीं क्लाउड बस्ट हो जाए तो कोई और आपदा आ सकती है, तो उसको देखते हुए पुनः सबको अलर्ट कर दिया गया है। जिलों में हमारी आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई हैं, SDRF की टीम्स हैं, और ज़िले के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको सबको बता दिया गया है कि कहीं भी कोई लैंडस्लाइड आता है या कहीं और कोई आपदा आती है तो तुरंत वहाँ पहुँचें और रेस्क्यू काम शुरू करें, और साथ ही जो दूसरी संबंधित एजेंसीज हैं जिनकी रोड्स वगैरह हैं या आसपास अगर ITBP या SSB की कंपनियाँ हैं उनको भी अलर्ट करके उनको भी साथ रखें, जिससे कि रेस्क्यू काम तुरंत शुरू हो जाए, और अगर रास्ता बंद है तो रास्ता तुरंत खुल जाए, जिससे कि चार धाम यात्री हैं या दूसरे टूरिस्ट हैं या वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही सभी पहाड़ी थानों और चौकियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में हो रही झमाझम बारिश के मद्देनजर जहां एक तरफ मौसम विभाग ने प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने की सलाह दी है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को एहतियात बरतने को भी कहा है। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।